गदर टू स्टार सनी देओल ने नेपोटिज्म की डिबेट को कहा स्ट्यूपिड। कॉफी विद करण सीजन 8 एपिसोड 2 कॉफी विद करण पर दीपिका पादुकोण के बाद अब सनी देओल ने ये कह दिया है। वेल, एक और शुक्रवार के साथ कॉफी विद करण का एक और एपिसोड आ गया है जिसमें कॉफी काउच पर आए बॉलीवुड के देओल ब्रदर सनी और बॉबी देओल, जहां उन्होंने बात की एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर पिछले कुछ सालों से बहुत ही डिबेट हो रहा है, नेपोटिज्म। सनी देओल ने क्लियर कट फर्स्ट लाइन में ही नेपोटिज्म की डिबेट को स्ट्यूपिड कह दिया, जिसे सुनकर सब शांत रह गए हैं। करण के कॉफी काउच पर जहां पिछले हफ्ते दीपिका पादुकोण ने कई रिवीलेशंस किए जिस पर कई कंट्रोवर्सीज खड़ी हुई, तो इस हफ्ते सनी देओल आ गए हैं विद न्यू रिवीलेशंस एंड कंट्रोवर्सीज। दरअसल करण ने पूछा सनी और बॉबी से कि कमिंग फ्रॉम अ बॉलीवुड फैमिली उनका क्या टेक है नेपोटिज्म पर, एज पिछले कुछ साल में बहुत डिबेट हुई तो इस पर उनके क्या कहने हैं, जिस पर स्ट्रेट सनी देओल बोले कि ये तो स्टूपिड है। और आगे उन्होंने कहा कि ये उसने ही बोला है और स्टार्ट किया होगा जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया है, और इस चीज का गुस्सा उन्होंने यहाँ डायरेक्ट किया होगा। सनी देओल ने आगे कहा कि चाहे जो हो, जिनके हाथ में कोई भी सक्सेसफुल होता है तो वो अपने टैलेंट से ही होता है। मैं और मेरा भाई जहाँ भी हैं लाइफ में, वो अपने टैलेंट की वजह से हैं, भले ही उनके पापा ने उन्हें एक पुश जरूर दिया हो। सनी देओल यहाँ अपने पिता धर्मेंद्र का बताते हुए दिखे और उन्होंने माना कि उनके करियर की शुरुआत उनके पिता ने जरूर मदद की, एक स्टार्ट करवाया, बट कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए वो करेंगे ही। मैंने खुद ने अपने बच्चों को लॉन्च करवाया है, क्योंकि कौन अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेगा। हम अपने बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ के लिए कर रहे हैं, और हर कोई इसलिए ही करता है। दरअसल सनी देओल यहाँ यही बताना चाह रहे हैं कि उनका फैमिली नेम उन्हें पहली फिल्म दिला सकता है, बट उसके बाद वो जहाँ भी आगे जाएंगे वो उनके टैलेंट की वजह से ही होगा। वेल, उनका ये भी कहना था कि नेपोटिज्म वाली डिबेट किसी ने ऐसे ही शुरू कर दी और उस पे लगातार हैमर करते गए विदाउट एक्चुअली थिंकिंग, एंड इट एक्चुअली डजंट मेक एनी सेंस। इस पर बॉबी ने भी बात करते हुए कहा कि हमारे पेरेंट्स आउटसाइडर ही थे, हमने उन्हें चूज नहीं किया एज पेरेंट्स, बट वी वे ब्लेस्ड टू बी देयर चिल्ड्रन। हमने मांगा नहीं था, हमें वो फैमिली मिली है। इसलिए जब कोई सोचता है कि तुम स्टार किड हो, तुम्हारे लिए इजी होगा, तो वैसा नहीं है। यहाँ एंड में बॉबी देओल ने डायरेक्टली ये भी कहा कि लुक एट माई करियर, मेरा करियर एक एग्जाम्पल की तरह है कि भले ही तुम किसी भी स्टार के बेटे हो, बच्चे हो, अगर इट डजंट वर्क आउट, इट एक्चुअली डजंट। जिस पर सनी देओल ने भी माना कि सिर्फ उनकी लास्ट फिल्म गदर 2 बड़ी सक्सेस थी, वरना वो भी 20 सालों से स्ट्रगल कर रहे थे। वेल, सनी जी, आप 20 इयर्स तक स्ट्रगल कर तो रहे थे, लेकिन लोगों को उनका टाइम स्पैन ही नहीं मिलता है कई बार तो। वेल, ये थी सनी देओल का नेपोटिज्म पर टेक। इस पर आपके क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, एंड फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स डू सब्सक्राइब अवर चैनल।